अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है इसको मैं ऑटो की तरह यूज़ करती हूँ, बस मुझे इसमें कपड़े डालने होते हैं और निकालने होते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स उस वक्त मुझे इस तरह के आए थे कि आप प्लीज़ इसका डिटेल में मेथड शेयर कर दें कि आप किस तरह से इसको ऑटो यूज़ करती हैं। तो आज मैंने कपड़े वॉश करने थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही वॉशिंग मशीन हो तो तभी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि सिर्फ अगर आपके पास ड्रायर है ना, अलहदा से भी है, वॉशिंग मशीन आपके पास अलहदा है और ड्रायर अलहदा से है, तब भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ वॉशिंग मशीन, अगर किसी ने न्यू लेनी है या अगर फिर बाद में मुझे इस तरह के कमेंट्स आएंगे कि आपकी है कौन सी वॉशिंग मशीन, तो वो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास ये वाली वॉशिंग मशीन है। और आपके पास किसी और तरह की भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन उसमें जो है ना आपके पास होना ज़रूरी है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें भी इसी तरह से है कि एक तरफ को जो है मैं कपड़े वॉश करती हूँ और दूसरी तरफ इसका ड्रायर है, जिस तरह से नॉर्मल मशीनों में होता है। और ये देखिए, ये इसका नेम है और इसका नंबर वगैरह है, और ये इसके ऊपर जो है ना तीन बटन है इस तरह के और ऑप्शन वगैरह इसके। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जिनके पास नॉर्मल वॉशिंग मशीन है या ड्रायर के साथ है, उन दोनों ने यहाँ पर देखा होगा कि जिस तरह हम कपड़े वॉश करते हैं ना, यहाँ पर जो है पाइप के लिए ऑप्शन दिया होता है कि यहाँ पे हम पाइप लगाते हैं और पानी जो है अंदर डाल सकते हैं। और ये जो ड्रायर वाली तरफ है, यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन है ना पानी का, यहाँ पर अगर आप पाइप लगा सकते हैं पानी वाला, तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस तरह से मैं कपड़े वॉश करती हूँ ऑटो की तरह। तो अगर जिन्होंने न्यू वॉशिंग मशीन लेनी है तो ये वाली चीज़ देख के नहीं, और अगर किसी ने सिर्फ ड्रायर लेना है, वॉशिंग मशीन ऑलरेडी है तो सिर्फ ड्रायर भी आप ले सकते हैं, उसके बस आप उसमें ये देख लें कि ये वाला ऑप्शन हो आपके पास जहाँ पर पाइप लगाने वाला, तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं ऑटो वाला। मैं इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले तो इस तरफ को जो है मैं पानी वगैरह सर्फ वगैरह डाल के कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ, और जिस तरह से नॉर्मली जो है सब करते हैं इस तरफ को, और उसके बाद जो है कपड़ों को मैं ड्रायर में डालती हूँ इस तरफ को, यहीं पे मैं उनको ड्राई भी करती हूँ, और यहीं पे जो कहते हैं ना कपड़ों को निथारना, उसमें से सर्फ जो निकालते हैं हम लोग, उस तरह से वो भी मैं ड्रायर में ही करती हूँ। तो चलें, पहले तो इस तरफ को मैं कपड़ों को वॉश कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रायर में मैं किस तरह से उनको करती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने इसमें पानी फिल कर दिया है, और अब यहीं पे जो है मैं इसमें सर्फ ऐड कर दूँगी, और कंफर्ट भी जो हम लोग ऐड करते हैं ना एंड पे कपड़ों में, वो भी मैं यहीं पे ऐड कर दूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ड्रायर में भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगी, लेकिन मैं जो है इसी जगह पर ऐड करती हूँ, तो मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। और पानी में इतना ही डालती हूँ जितने मैंने कपड़े वॉश करने होते उस टाइम पर, ये नहीं है कि कपड़े थोड़े से हों और पानी जो है मैं फुल इसमें फुल कर दूँ ऊपर तक। तो अभी मैंने थोड़े से कपड़े इसमें ऐड करने थे, सिर्फ तीन टॉवल थे, तो फिर जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी सिर्फ जो है ना फिल किया मैंने, और यहीं पे अब मैं इसमें सर्फ ऐड कर रही हूँ। और ये जो कंफर्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये कंफर्ट जो है ये बॉटल तो वो कंफर्ट वाली है, लेकिन इसमें जो कंफर्ट है ये मैंने खुद बनाया हुआ DIY है, और ये बॉटल मेरे पास खाली पड़ी थी तो इसमें मैंने डाल लिया। तो इसको भी अभी यहाँ पे सर्फ के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी, और मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता चाहे मैं इस जगह पे ऐड करूँ या एंड पे ऐड करूँ, तो यहाँ पे मुझे इजी लगता है, तो मैं इसी जगह पे जो है साथ ही कंफर्ट भी ऐड कर देती हूँ। बस अब मैं इसको ऑन कर दूँगी, और जैसे ही सर्फ की थोड़ी सी झाग बनने शुरू होगी तो फिर मैं जो है इसमें कपड़े डाल दूँगी। और जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं डालती हूँ वो टॉवल्स होते हैं। अगर मैंने टॉवल वॉश करने हो तो फिर मैं सबसे पहले वो ऐड करती हूँ, उनको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अभी तीन टॉवल्स हैं, उन्हीं को मैं डालने लगी हूँ उसमें। और हम तीनों के जो टॉवल्स हैं वो अलग अलग मैंने रखे हुए हैं, तो ये जो है हस्बैंड का है, और ये बेटी का टॉवल है, और ये वाला मेरा है। तो बस ये तीन टॉवल्स ये भी मैंने डालने हैं, और चले मैं इसको बंद करती हूँ, और जब ये वॉश हो जाए तो फिर मैं इनको निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैं ड्रायर में किस तरह से इनको डालती हूँ। यहाँ पर टॉवल्स अब वॉश हो चुके हैं, और बस अब मैं मशीन को बंद करूँगी और इनको जहद निकाल दूँगी बाहर। और अगर आपने ये पानी दोबारा यूज़ करना है, अगर आपने इसी पानी में दोबारा से कपड़े और डालने हैं, वॉश करने हैं, तो फिर तो आप जो है अपने कपड़ों को स्पेस कर लें, थोड़ा सा निचोड़ लें और फिर उनको ड्रायर में डालें। लेकिन अगर ये पानी आपने ड्रेन करना है दोबारा से, आपने इनको यूज़ नहीं करना इस पानी को, तो फिर आप बस जस्ट कपड़े उठाएं और उनको जो है ड्रायर में डाल दें, क्योंकि ऑलरेडी ड्रायर में ड्रायर तो होंगे ही, ड्रायर तो करने हैं हमने, तो बस ऐसे ही फिर आप डाल दें। ये देखिए, इस तरह से टॉवल्स को मैंने निकाल लिया है, और इनको मैंने हल्का सा निचोड़ लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा, कि बस थोड़ा सा जो सर्फ है इनमें से पानी निकल जाए, क्योंकि वही पानी मैंने दोबारा से यूज़ करना था, तो फिर ये कि सारा सर्फ इनके साथ आ जाना था।
बस इसलिए सिर्फ इनको जो है ना मैंने थोड़ा सा निचोड़ लिया है। लेकिन अगर आपने नहीं यूज़ करना उस पानी का, तो बेशक आप इसी तरह से उठाएं कपड़े और यहाँ पे ड्रायर में डाल दें। तो ये देखें, इस तरह से मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा खोल के और ड्रायर में डाल दूँगी। और अब ड्रायर में डाल के मैं इस तरह से करूँगी कि क्योंकि ये मैंने थोड़े से जो है इनको निचोड़ लिया था, तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई से हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर वन मग इनके ऊपर जो है ना पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ना भी डालना चाहें तो आप ना डालें, लेकिन बस मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी तसली नहीं होती। तो उस वजह से यहाँ पर अभी हमने पहले क्या करना है, एक दफ़ा इनको ड्राई करना है ड्रायर में, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए, ताकि इनका जो सर्फ है ना, जो इनमें पानी हो, वो अच्छे से जो है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा तो इनको पहले ही मैंने निचोड़ लिया था, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा इनको ड्राई करूँगी, ताकि इनका जो सर्फ है ना वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप ये वाला स्टेप करें ही नहीं, इस स्टेप को आप स्किप कर दें और नेक्स्ट जो मैं बताऊँगी आप वो कर लें। लेकिन बस मेरी वही बात है कि मुझे तसली नहीं होती, तो फिर यह कि मैं जब तक अच्छे से जो है ना चीज़ को वॉश ना करूँ, तो मुझे जो है ना। तो यहाँ पर खैर अभी मैं सिर्फ जो है 2-3 मिनट्स के लिए इसको चलाऊंगी, ताकि बस इसमें जो सर्फ है वो निकल जाए अच्छे से और थोड़ा सा जो है ना ड्राई हो जाए। लेकिन मुकम्मल तौर पे तो कपड़ों में से सर्फ नहीं निकलता जब तक हम उसको पानी में से ना गुजारें, मतलब कि निथारे नहीं। तो अभी तो मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए चलाया है, 2 मिनट्स हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूँगी और फिर कपड़ों को हम निथारेंगे किस तरह से। ड्रायर में मैं किस तरह से कपड़ों को निथारती हूँ वो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ये ड्राई हुए हैं। यहाँ पर मैं इसको खोलती नहीं हूँ ड्रायर को दोबारा से, लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए जो है मैंने इसको खोला है कि ये देखें ज़रा, ये इतने जो है ये ड्राई हुए हैं और सर्फ जो है काफ़ी हद तक इसमें से निकल गया। तो बस अब इसको मैं दोबारा बंद कर दूँगी और अब मैं आपको दिखाऊँ ये जो पाइप वाली जगह थी, जो ड्रायर वाली तरफ मैंने आपको पाइप का ऑप्शन दिखाया था, यहाँ पर आपने पाइप लगाना है और यहाँ पर जो है आपने पानी ऑन कर देना है। और बिल्कुल फुल आपने पानी नहीं ऑन करना, थोड़ा सा हल्का सा पानी आपने ऑन करना है और ये पानी जाएगा ड्रायर में कपड़ों के ऊपर। तो यहाँ से मैं ऑन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको खोलना है पानी को। तो ये देखें, पानी को मैंने ऑन कर दिया है और बस हमने पानी इतना खोलना है कि ये जो है ना ये मिड तक जाए इसके, या इससे भी थोड़ा सा कम अगर आप खोल लें तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो बस इतना पानी आप खोल दें और ड्रायर को आप चला दें नॉर्मली, जिस तरह से बंद करके हम ड्रायर को चलाते हैं उस तरह से आप चला दें। तो इस तरह से ये होगा कि साथ साथ कपड़ों में पानी जाता रहेगा और साथ साथ जो है वो ड्रायर की वजह से पानी इसमें से निकलता रहेगा और पानी के साथ साथ जो है इसमें से सर्फ भी निकल जाएगा। तो वैसे भी जब हम कपड़ों को निथारते हैं तो यही मेथड होता है ना, कि हम उनको कपड़ों को जो है पानी में डालते हैं और फिर निचोड़ते हैं, फिर हम पानी में डालते हैं और फिर निचोड़ते हैं। तो इसी तरह से भी यही मेथड हो जाएगा, ये वाला भी सेम उस तरह से हो जाएगा, पानी जो है वो कपड़ों में जाएगा और साथ साथ जो है वो निकलता जाएगा उसमें से, और पानी के साथ ही जो है सारा सर्फ कपड़ों में से निकल जाएगा और अच्छे से जो है कपड़े वॉश हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और जब ड्रायर में आप इस तरह से कपड़ों का डाल के साथ पानी लगाएंगे, तो इस टाइम पे आपने वो जो मशीन की जो ड्रेन वाली जगह होती है ना, जहाँ से पानी निकलता है, उस जगह पे आपने देखना है कि अगर वहाँ पे सर्फ आना बंद हो गया, मतलब झाग नहीं निकल रही, साफ पानी निकल रहा है, तो फिर आप पानी का नलका जो है वो बंद कर दें, क्योंकि आपके कपड़े जो है साफ़ हो चुके हैं, सर्फ अच्छे से निकल गया है। यहाँ पर अभी 1 मिनट रहता है, लेकिन पानी अब साफ़ आ रहा था ड्रेन वाली जगह पर, तो फिर अब नलका मैंने बंद कर दिया, पानी मैंने इसका बंद कर दिया। और कम्फर्ट अगर आपने एंड पे ऐड करना है, ड्रायर में ऐड करना है, तो इस जगह पे आपने ये करना है कि कम्फर्ट को थोड़े से पानी में मिक्स करना है और सारे कपड़ों के ऊपर फैला के जो है वो पानी आपने डाल देना है इस तरह से, और फिर फाइनल आपने जो है कपड़ों को ड्राई करना है सबसे एंड में, जिस तरह से हम ड्राई करते हैं ना कपड़ों को। और ये भी ऑप्शनल है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ड्राई करना है कपड़ों को, सर्दियाँ हैं, बारिश हो रही है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ड्राई करें, 5 मिनट के लिए करें, और अगर ख़राब होने वाले कपड़े हैं तो फिर तो आप ड्राई ना करें, या जस्ट 1 मिनट के लिए आप ड्राई करें। और अगर आपने जो है धूप में टांगने हैं तो बस आप 2 मिनट के लिए ड्राई करें और धूप में टांग दें तो वो खुश्क हो जाएंगे। तो जो थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं, टॉवल्स वगैरह होते हैं, उनको जो है मैं 3-4 मिनट देती हूँ, लेकिन जो लॉन के कपड़े हैं, जैसे आजकल गर्मी है, तो वो तो बस 2 मिनट में खुश्क हो जाते हैं, तो बस उसके बाद उनको मैं धूप में डाल देती हूँ या हवा में सिंपली डाल दो तो वो ड्राई हो जाते हैं इजीली। लेकिन सर्दियों के जो कपड़े होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ड्राई करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से करें। तो यहाँ पर कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि फाइनली वो कितने ड्राई हैं और किस तरह से वॉश हुए। तो ये देखें, इतने अच्छे से जो है टॉवल्स वॉश हो चुके हैं, और हालांकि मैंने वहाँ पे इनमें कंफर्ट ऐड किया, लेकिन अभी तक इसमें से जो है वो कंफर्ट की स्मेल आ रही है और बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गए हैं और कोई इसमें सर्फ वगैरह नहीं है।
मेरा मेथड अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आपने ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।